Students, welcome to the economics class. In the previous class, we were discussing about infrastructure, and Arun sir might have told you about infrastructure and its two types: social infrastructure and economic infrastructure. Okay, infrastructure is the lifeline of an economy. Without it, no economy can grow, no economy can be developed. Okay, so infrastructure ki importance bhi padhi thi humne. आज जो इसका लास्ट पोर्शन बचा हुआ वो ले रहे हैं हम. वैसे तो एजुकेशन सेक्टर, यू नो हेल्थ सेक्टर, और इसके अलावा यू नो पावर सेक्टर, ये डिफरेंट सेक्टर्स होते थे, बट अभी आफ्टर यू नो डिलीशन ऑफ द सिलेबस सिर्फ हमारा हेल्थ सेक्टर है जिसको हमने एज एन एमर्जिंग चैलेंज स्टडी करना है. हेल्थ के बारे में हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पढ़ा था. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था हेल्थ जो है वो एक मेजर सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, क्योंकि एक हेल्दी व्यक्ति जिसकी अच्छी हेल्थ है वो न केवल अपने लिए अच्छा है, अपने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के लिए अच्छा है, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, बल्कि सोसाइटी के लिए और नेशन के लिए भी अच्छा है. ओके, क्योंकि उसकी वो अच्छे ढंग से काम कर पाएगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. ओके, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी. तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की. हमारा टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अंदर स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. कैसा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में? देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद से काफ़ी तरक्की हुई है. पहले तो ये होता था कि बहुत दूर कहीं कोई हॉस्पिटल होता था या कोई डिस्पेंसरी होती थी, और गांव में तो डॉक्टर तक कोई होता ही नहीं था, छोटे मोटे वैद्य काम किया करते थे. लेकिन बाय एंड बाय अपने 5 ईयर प्लान से हमने काफ़ी कुछ किया है. ओके, जब 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू कर दिए थे, LPG आ गया था, तो उसमें और डेवलपमेंट हुआ. तो आज की स्टेट देखें तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन, आज बहुत एक्सपेंशन हो गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आता है बच्चों, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सर्विसेज, है ना, लोगों का हेल्थ स्टैंडर्ड, लोगों के मतलब डिसीज के प्रति उनकी इम्यूनिटी, उनसे लड़ने की क्षमता, लोगों का मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, ये सब चीज़ें हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं. ओके, तो बात करते हैं सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन की. तो बहुत से नए हॉस्पिटल्स आए. ओके, गवर्नमेंट ने काफ़ी खर्चा किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, है ना, गली गली में आपने देखा होगा अब बहुत कुछ हो चुका है. रिसेंटली जब दिल्ली गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम से और इसमें ऐड किया, राइट. और ये समझेंगे आप कि ये एक्सपेंशन बहुत हुआ है, लेकिन ये एडिक्वेट नहीं है बिकॉज इट इज़ फैसेट विद बल्क पॉपुलेशन. जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे थे, हम हॉस्पिटल्स बना रहे थे, हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, पॉपुलेशन उसी स्टैंडर्ड से, उसी पेज से बढ़ती जा रही थी, तो वो हमेशा से अपर्याप्त रहा, वो हमेशा से इनएडिक्वेट रहा. इसके बाद बात करते हैं वाइड गैप बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज. आज की बात भी मैं कर लूँ तो भी गांव के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं और शहर के हेल्थ फैसिलिटी में बड़ा फ़र्क है. आपने देखा होगा एम्स में बाहर से बहुत से लोग आए होते हैं. हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा बर्डन रहते हैं. क्यों? क्योंकि जो गाँव के लोग भी वो शहर की तरफ रुक रुक करते हैं, राइट, क्योंकि वो लोग प्राइवेट सेक्टर में इतना प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा खर्च नहीं कर पाते, तो उनको अच्छी फैसिलिटी चाहिए. शहरों में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हैं, तो इसीलिए एक गैप आ जाता है बिटवीन द पुअर एंड द रिच, द रूरल एंड द अर्बन एरियाज. हेल्थ फैसिलिटीज दोनों के लिए अलग अलग है. आगे बढ़ते हैं वुमेन हेल्थ. वुमेन हेल्थ हैज़ ऑलवेज बीन ए ग्रेट कंसर्न इन इंडिया. आप देखते हैं पहले तो फीमेल फिटिसाइड की बात चलती है कि गर्भ में ही अगर ये डिटेक्ट हो जाए कि लड़की है तो उसको मार दिया जाता है, ये एक बात है. और इसके अलावा अभी भी कहीं जगह चाइल्ड मैरिज है. इसके अलावा विमेन इज़ वेरी प्रोन टू द डिसीजेस, और विमेन हेल्थ हमेशा से एक इशू रहा है, एक कंसर्न रहा है इंडिया में, क्योंकि विमेन इतनी केयर करती भी नहीं है. हालांकि जो एजुकेटेड लेडीज़ हैं आज वो अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो गई हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारी सिस्टम, हमारी ट्रेडिशन, सभी भी सारा का सारा बर्डन जो है वो घर का डाल देती हैं लेडीज़ के ऊपर. तो लेडीज़ हेल्थ हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर कैन इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज.
रेगुलेटेड हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, हम रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर तो बहुत बढ़ गया हमारा, ओके, सो रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर अगर सिर्फ प्रॉफिट कमाता रहेगा, आप देख रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मैक्स, फोर्टिस, है ना, अपोलो, वेदांता, मेदांता, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन गए हैं, लेकिन उनके चार्जेस इतने हाई हैं कि वो पुअर पीपल, मिडिल क्लास की लिमिट से बाहर है। तो उनको रेगुलेट करना होगा, उनको रेगुलेट करना होगा, रेगुलेट करके ही कुछ बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तो फिर वो क्या होगा, सिर्फ रिच लोगों तो कैटर करते रहेंगे, प्राइवेट लोग पीछे रह जाएंगे, है ना, सॉरी पुअर लोग उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम, एनजीओज एंड कम्युनिटी यू नो पार्टिसिपेशन कैन डू अ ग्रेट चेंज। अब कुछ एनजीओज को आगे आना पड़ेगा, एनजीओज को जाके काम करना पड़ेगा स्लम्स में, गरीब लोगों के लिए और गांव के लिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज मस्ट बच्चों। अगर मान लीजिए हम सब मिलके, जैसे आज हम देखते हैं सोसाइटीज बनी हुई हैं, वो अपने कम्युनिटी के लिए काम करती हैं, तो ऐसी सोसाइटीज हेल्थ सेक्टर में भी काम कर सकती हैं ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का अच्छा हो जाए, ओके। इसके अलावा आयुष यानी कि योगा, आयुर्वेदा, यूनानी, ये सब भी अच्छा काम कर सकते हैं। होम्योपैथी एक अल्टरनेटिव मेडिसिन हो सकती है, इसको भी हमें एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एलोपैथिक जो है जवाब दे देती है कि कोई हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो वहाँ फिर आयुर्वेदी, योगा और यूनानी और ये होम्योपैथिक काम कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एट विलेज लेवल ये हमें खोलने होंगे, डिस्पेंसरीज, डॉक्टर्स को वहाँ कंपल्सरी काम करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि वहाँ की हेल्थ अच्छी होगी। वहाँ की हेल्थ अच्छी होगी क्योंकि आपको पता है हम लोग एग्रीरियन इकोनॉमी है, हमारी मेजर पॉपुलेशन गांव में रहती है, अगर वहाँ तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँच जाएगा तो फिर कंट्री की तरक्की होनी है, 100% होनी है। आइए नेक्स्ट लेते हैं, हेल्थ एज एन एमर्जिंग चैलेंज। बहुत कुछ हुआ, मैंने कहा ना एक मेजर चेंज आया है, काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन अभी भी हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के सामने, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बात करते हैं कैसे। सबसे पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमने तो बजट में रख दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बजट में एक बहुत बड़ा शेयर रखती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो पाता। ज़्यादातर खर्चा जो है वो शहरों में हो जाता है और गांव तक वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का टच वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारी, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारी 60% पॉपुलेशन गांव में रह रही है, लेकिन हमारा जो है 70% खर्चा शहरों में हो रहा है। तो जहाँ पर कम खर्चा होना चाहिए वह ज़्यादा हो रहा है, जहाँ ज़्यादा होना चाहिए वहाँ कम हो रहा है, तो इससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पिछड़ रहा है। दूसरा आता है प्राइवेटाइजेशन। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। आज आपको मशरूमिंग बड़े बड़े नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट रिसर्च सेंटर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो सब जो है दे आर आफ्टर मनी, दे आर प्रॉफिट मोटिवेटेड, तो वो किसी भी तरह से सोशल वेलफेयर की, पब्लिक वेलफेयर की बात कर ही नहीं रहे। इट्स ओके दे आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज, दे आर प्रोवाइडिंग बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, लेकिन वो लिमिटेड है रिच लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए नहीं। सॉरी, पुअर सैनिटेशन। हमारी कंट्री की एक और समस्या है, यहाँ सैनिटरी लेवल जो है बहुत लो है। प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे गली गली में कूड़ा भरा रहता है, नालियाँ ओवरफ्लो कर रही होती हैं, जरा सी बारिश होती है एकदम से सड़कें भर जाती हैं, पानी का ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं और आप देखते हैं हर साल हम मलेरिया, डेंगू से फेसेट हैं। ये चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमारी सैनिटरी कंडीशन अच्छी नहीं है। जितना मर्जी अच्छा है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, लेकिन अगर सैनिटरी कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो फिर हमें ज़्यादा डिसीज होंगे, ज़्यादा डिसीज होंगे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बर्डन ज़्यादा होगा, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बैड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेंटर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत हॉस्पिटल्स खोल दिए हैं, हर साल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स नए नए हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, है ना, हेल्थ सेंटर्स खोल रही हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं है बच्चों। उनकी जो अपकीप है, उनका जो स्टाफ है, चूँकि वो परमानेंट है तो वो उतना ध्यान देता नहीं है। हालांकि कुछ स्टेट्स बहुत टफ, बहुत सख्ती से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि उसका अपकीप अच्छा नहीं है, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो वो अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाते, ओके। तो ये हमारे रीजंस हैं
कि हेल्थ आज भी एक एमर्जिंग चैलेंज है। ये सब हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, हेल्थ सेक्टर की प्रॉब्लम्स है, ओके। और अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए तो क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे कैसे हम तरक्की कर सकते हैं, ये बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर कैन लीड टू, इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए, कोई भी महामारी आती है, जैसे अभी COVID-19 आया, तो हमने शुरू में लॉकडाउन किया ताकि हम अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकें। इम्प्रूव्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ तभी हम लोगों को सही ट्रीटमेंट दे पाए, तभी लोगों को हॉस्पिटल में बेड मिल पाए, तभी डॉक्टर्स अवेलेबल हो पाए, राइट। तो जहां पर भी अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, वहां लोगों की लाइफ बढ़ जाएगी, वहां लोग हेल्दी लाइफ जिएंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे और इकोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। सेकेंड इज इन्फेंट डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए, कई बच्चे जन्म से पहले, जन्म के बाद तुरंत मर जाते हैं। रीज़न, उनको कई बीमारियां होती हैं। और आज जैसे प्रदूषण का एज है, हम लोग पोल्यूटेड एटमोसफियर में रह रहे हैं, हर चीज़ पोल्यूटेड है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं, मिल्क है, इवन एटमोसफियर, हवा, पानी, सब। तो ऐसे में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत बड़ा हुआ है, बच्चे जन्म के वक्त ही मर जाते हैं। ऐसे में अगर हम उसको कुछ कम करना चाहते हैं तो फिर हमें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने पहले बताया आपको, सिर्फ हेल्थ सेंटर नहीं खोलने, लोगों में हेल्थ अवेयरनेस लानी है। एक गर्भवती लेडी को क्या क्या प्रिकॉशन करने चाहिए, कैसे कैसे काम करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, किस तरह के योगा अभ्यास करने चाहिए, किस तरह की उसको टेस्टिंग करानी चाहिए, ये सब हेल्थ केयर में आता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करना भी उसका एक पार्टिसिपेशन है, उसका पार्ट है, वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑन डेडली डिसीज। जितने भी डेडली डिसीज हैं, अगर हम उन पर कंट्रोल चाहते हैं तो हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा, जिसके अंदर हेल्थ सेंटर्स तो खुल ही रहे हैं, लोगों को हेल्थ के प्रति, है ना, हेल्दी लाइफ के प्रति अवेयर करना जरूरी है। उससे क्या होगा, जैसे अब COVID-19 कंडीशन आई तो हम उससे लड़ पा रहे हैं, है ना, क्योंकि हम हेल्थ के प्रति अवेयर हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, हम लोग अपनी बाकी बीमारियों से लड़ सकते हैं अगर हम हेल्थ के प्रति सचेत हैं। बेटर SCM, अगर आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, उससे हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होता है, क्योंकि हेल्दी लोग, हेल्दी बंच जितना भी स्किल लेगा, जितना भी एक्सपीरियंस लेगा, जितना भी ट्रेनिंग लेगा, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, वो ज़्यादा डेवलपमेंट लेके आएगा। और लास्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा बच्चों, हेल्दी बंच आएगा, हेल्दी लोग आएंगे, हेल्दी वर्क फोर्स आएगी, इकोनॉमी में डेवलपमेंट इनएविटेबल है, कंपलसरी है। तो इस वीडियो में हमने समझ लिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका क्या स्टेट है आज के समय में इंडिया में, कैसे अभी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक चैलेंज है, और अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लेते हैं तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारी इकोनॉमी में। होप आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।